जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास नाइन्थ का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से। प्रश्नावली 1.4 तक कर चुके हैं, प्रश्नावली 1.5 करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख भी लीजिए। 1.4 तक हम लगा चुके हैं और साथ में ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है बेटा, आ जाओ। यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन लगवाया जाता है, आपको जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन भूलेगा नहीं। तो डाल लेना बेटा, पेन कॉपी उठाओ और लिख लेना क्या प्रश्नावली नंबर 1.5। और हम लिख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, औचित्य देते हुए निम्नलिखित को प्रमेय या प्रमेय संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। बेटा बताना है कि संख्या जो है वो प्रमेय है या अप्रमेय है। तो प्रमेय संख्या क्या होती है, जो बेटा अंडर रूट से बाहर हो जाए वो क्या होगा बेटा, परिमेय होगा। क्या होगा? और जो अंडर रूट में होगा वो क्या होगा बेटा, अपरिमेय होगा। क्या होगा? ये अपरिमेय हो जाएगा और जो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा वो क्या होगा बेटा, परिमेय होगा। अंडर रूट में रहेगा तो अपरिमेय और बाहर निकल गया बेटा तो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ देखते हैं क्या कहता है बेटा पहला क्वेश्चन। इसमें से पहले का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, पहले का पहला क्वेश्चन कह रहा बाबू कि 196 कड़ी में दिया बेटा 196। अब बताना बेटा 196 परिमेय है या अप्रमेय। 196 को हम जानते हैं बेटा किसका वर्गमूल होता है, किसका होता है वर्ग होता है 14 का। 196 का वर्गमूल 14 होता है, तो बेटा क्या हो जाएगा पहला, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ दूसरे पे देखते हैं बेटा दूसरा क्या कह रहा। दूसरा 3 कड़ी में 18, तो 3 कड़ी में 18 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे कड़ी में 18 को बेटा 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। तो इसको 3 और 9 का बाहर निकालेंगे बेटा 3 हो जाएगा 2, तो 3 3 का 9 कड़ी में 2, तो बेटा कड़ी में आ रहा है तो कड़ी में आ रहा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या हो जाएगा मेरे लाल, अपरिमेय हो जाएगा। तीसरा क्या दिया बेटा, 9/27 कितना दिया है तीसरा, कड़ी में 9/27 तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं, देखना 9/27 है तो इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 9/27 तो कड़ी में 9 का कितना होगा बाबू, 3 हो जाएगा और 27 का हो जाएगा 3 कड़ी में 3, 3 3 9 3 27 तो ये क्या होगा बेटा, यह हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्या कह रहा बाबू देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा कह रहा है 28/343 कड़ी में 28/343 तो बेटा निकालोगे 7 × 49 = 343 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कितना, 14 × 28 = 7 × 14 4 × 28 2 कड़ी में 7 हो जाएगा बेटा और ये हो जाएगा 7 कड़ी में 7 इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा 2/7 आएगा, तो 2/7 क्या होता है मेरे लाल, परिमेय होता है। इसी के साथ पहला क्वेश्चन बेटा खत्म। इसमें बताना था कि कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है बाबू कि बताइए निम्नलिखित, बताइए नीचे दी गई संख्या में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। पहला दिया 2 − 5 तो बेटा पहला दिया है 2 − 5 देखो बेटा यहाँ कड़ी में लगा है तो क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। दूसरा क्या कहा है बेटा, दूसरा कहा है 3 + 23 3 + 23 और बेटा −23 इसको खोलोगे तो 3 + 23 और −23 हो जाएगा बेटा, ये माइनस प्लस कैंसिल आ गया 3 तो ये क्या होगा दूसरा बेटा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ इसमें का तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है 2 कड़ी में 7/7 2 कड़ी में 7/7 बेटा कड़ी में 7 है तो इससे कैंसिल होगा 2/7 तो ये क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। आ जाओ चौथे पे, चौथा देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है 1/2 1/2 बेटा क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होगा, अपरिमेय होगा। पांचवा क्या कह रहा है बेटा, कितना दिया 2π तो बेटा पाई का वैल्यू हमेशा अपरिमेय होता है तो यह भी हो जाएगा अपरिमेय। याद रखना बेटा पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 ये क्या होता है, परिमेय होता है।
लेकिन पाई क्या होता है बेटा, पाई अपरिमेय होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग कर चुके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, लगाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर तीन। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर पहला था, क्वेश्चन नंबर तीन डाल दे रहे हैं बेटा। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, क्या करना बेटा, सरल करना है। तो पहला दिया तीन प्लस करड़ी में तीन, दो प्लस करड़ी में दो, तीन प्लस करड़ी में तीन और दो प्लस करड़ी में दो। तो बेटा इसको क्या करना, सरल करना है। तो इसका गुणा पहले देखो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बीच में गुणे का चिन्ह होता है, ठीक है। तो तीन का गुणा दो में करोगे, तीन दूनी छह, तीन का गुणा करड़ी में दो करोगे, तो तीन करड़ी में दो। अब इसका इसमें करोगे बेटा हो जाएगा दो करड़ी में तीन, और इसका इसमें करोगे तो करड़ी में हो जाएगा छह, हो जाएगा छह प्लस, हाँ बेटा यही होगा, तीन करड़ी में दो करड़ी में, हाँ तीन करड़ी में दो और प्लस दो करड़ी में तीन और प्लस करड़ी में छह, यही हो जाएगा बेटा इसका आंसर। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है बाबू। दूसरा कह रहा है तीन प्लस करड़ी में तीन, तीन माइनस करड़ी में तीन, तीन प्लस करड़ी में तीन और तीन माइनस करड़ी में तीन। बाबू ए प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, तीन का स्क्वायर माइनस करड़ी में तीन का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो तीन का नौ माइनस तीन बराबर छह। तीसरा देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है बाबू पांच प्लस करड़ी में दो का होल स्क्वायर, पांच प्लस करड़ी में, चलो बेटा करड़ी में पांच प्लस करड़ी में दो का होल स्क्वायर। तो इसको खोलोगे बेटा, करड़ी में पांच का स्क्वायर प्लस करड़ी में दो का स्क्वायर प्लस दो करड़ी में पांच गुणे करड़ी में दो, तो पांच का स्क्वायर पांच, दो का दो, और ये हो जाएगा बेटा प्लस, और पांच दो, पांच दूनी दस, तो बेटा पांच दो सात प्लस दो करड़ी में दस, इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तीसरे का हो गया बेटा, और एक और बचा चौथा। चौथा क्या कह रहा है बेटा देखना, पांच करड़ी में पांच माइनस करड़ी में दो, यही दिया है, और करड़ी में पांच प्लस करड़ी में दो, करड़ी में पांच प्लस करड़ी में दो, तो ये भी बेटा किस पे फॉलो करेगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी पे। तो क्या हो जाएगा, करड़ी में पांच का स्क्वायर और माइनस करड़ी में दो का स्क्वायर, तो यहाँ पांच माइनस दो बराबर तीन, ये हो गया बेटा खत्म। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया खत्म, तीसरा नंबर। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे बेटा अगले क्वेश्चन पे, कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चार, उसको भी लगाएंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर चार पे, क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए, पहला दिया है बेटा तीन करड़ी में पांच, पहला दिया है तीन करड़ी में पांच, और क्या दिया है बेटा माइनस पांच करड़ी में दो, पांच करड़ी में दो। दूसरे ब्रेकेट में दिया है बेटा चार करड़ी में पांच, चार करड़ी में पांच और माइनस की प्लस, प्लस तीन करड़ी में दो। इसको क्या करना बेटा, सरल करना है। तो पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, चार तीन बारह गुणे तीन करड़ी में पांच गुणे करड़ी में पांच हो जाएगा पांच, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तीन त्रिका नौ गुणे करड़ी में पांच गुणे करड़ी में दो, माइनस पांच चौके बीस करड़ी में दो गुणे करड़ी में पांच क्या हो जाएगा बेटा करड़ी में दस, पांच दूनी दस, इसका करेंगे पांच तीन पंद्रह माइनस पंद्रह हो जाएगा बेटा, और करड़ी में दो गुणे करड़ी में दो, तो मतलब कितना होगा बेटा दो हो जाएगा। तो करो बारह पंजे साठ, और यहाँ पे बेटा नौ करड़ी में दस, और यहाँ पे माइनस बीस करड़ी में दस और माइनस तीस, साठ में से तीस जाएगा बेटा कितना बचेगा तीस, और बीस में से नौ जाएगा कितना बचेगा ग्यारह करड़ी में दस, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्या कह रहा है बाबू, तीन करड़ी में तीन प्लस दो करड़ी में सत्ताईस, ठीक है, और प्लस सात बटे करड़ी में तीन, इसको भी क्या करना बेटा, लगाना है। चलो आ जाओ, तीन करड़ी में तीन प्लस दो करड़ी में सत्ताईस, और क्या दिया है बेटा प्लस सात बटे करड़ी में तीन, ठीक है बाबू। तो इसको लिख सकते हैं तीन करड़ी में तीन, इसको लिख सकते हैं दो गुणे करड़ी में सत्ताईस को लिख सकते हैं बेटा तीन करड़ी में तीन, और प्लस सात बटे करड़ी में तीन, हो जाएगा तीन करड़ी में तीन प्लस तीन दूनी छह करड़ी में तीन प्लस सात बटे करड़ी में तीन, इसके बटे एक कर लो, इसके बटे एक कर लो, एलसीएम ले लेना बेटा, एलसीएम हो जाएगा करड़ी में तीन, ठीक है।
करड़ी में तीन का गुणा इसमें होगा, तो करड़ी में तीन गुणे करड़ी में तीन, तीन होगा तीन त्रिका नौ, और यहाँ पे छह त्रिक हो जाएगा बेटा अठारह, और प्लस सात, अठारह सात पच्चीस नौ चौंतीस आ जाएगा बेटा, चौंतीस बटे करड़ी में तीन, करड़ी में तीन से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो चौंतीस करड़ी में तीन बटे हो जाएगा बेटा तीन, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कभी भी बेटा करड़ी आएगा नीचे तो उसको करड़ी में मत छोड़ना, उसको सॉल्व कर देना। तीसरा क्या कह रहा बाबू, तीसरा कह रहा है इसका कि अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, तो करोगे बेटा अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस दो करड़ी में तीन गुड़े करड़ी में दो, माइनस है बेटा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ये हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा दो, और माइनस दो करड़ी में तीन दूनी छह, तो तीन दो पांच माइनस दो करड़ी में छह, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है बाबू, तीन बटे करड़ी में आठ और एक बटे करड़ी में दो, तो चलो ठीक है, चौथा कह रहा है तीन बटे करड़ी में आठ और क्या है माइनस है प्लस है, प्लस एक बटे करड़ी में दो, तो ठीक है इसको लिख सकते हैं बेटा तीन बटे करड़ी में आठ को दो करड़ी में दो और एक बटे करड़ी में दो, एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम कितना होगा दो करड़ी में दो हो जाएगा, इससे ये कैंसिल तीन बचेगा। ठीक है, करड़ी में दो से दो कैंसिल होगा बेटा, दो एक कम दो, तो पांच बटे दो करड़ी में दो, करड़ी में दो से ऊपर नीचे गुणा कर दो बाबू, कितना हो जाएगा, कितना पांच करड़ी में दो और दो दो नी चार हो जाएगा बेटा, पांच करड़ी में दो बटे चार इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं क्या कह रहा है, इतना आप लोग लगा चुके होंगे, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर पांच पे, क्या कह रहा है बेटा पांचवा, पांचवा कह रहा है आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी दिया है बेटा, पाई बराबर सी बाई डी ठीक है परिभाषित किया जाता है, इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता पाई अप्रमेय है, इस अंतर्विरोध का निराकरण कीजिए। तो बेटा आप लोग जानते हैं पाई क्या है, एक अप्रमेय संख्या, और सी बाई डी अगर देखा जाए तो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, लिख देना इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, लिख देना बेटा यहाँ पे इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, जब किसी भी स्केल या किसी भी यंत्र द्वारा बेटा हम क्या करते हैं लंबाई को मापते हैं तो उसके पास प्रमेय मतलब क्या होगा, जब मापेंगे तो उसके पास का क्या होता है हमें प्रमेय संख्या प्राप्त होता है, या तो हम कह नहीं कह सकते कि यह क्या है अप्रमेय है, बस इतना लिख देना बेटा हम यह नहीं कह सकते कि क्या है पाई बराबर सी बाई डी एक परिमेय संख्या अप्रमेय संख्या है। आ जाओ छठवें पे, छठवां क्या कह रहा है बाबू, छठवां कह रहा है संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए, क्या करना बाबू, संख्या रेखा पर 9 करड़ी में 9.3 को निरूपित करना है, तो इसके लिए बेटा एक 9.3 इकाई का एक रेखा ले लेना ए और बी, इसकी लंबाई कितनी होगी 9.3 इकाई, ठीक है बाबू, उसके बाद फिर आगे एक इकाई का एक बिंदु और ले लेना मान लिया सी, ठीक है अब क्या करना बाबू, एसी का अर्धक कर देना, प्रकार से करना, अर्धक करने आता होगा, एसी का अर्धक मान लिया आ रहा यम, अब बाबू क्या करना यम ए चाहे यम सी त्रिज्या लेना बेटा, एक वृत्त ऐसे बना देना, ठीक है अर्धवृत्त बना देना, इतना करने के बाद बाबू आप लोग क्या करना प्रकार से ही करना, बिंदु बी पे 90 अंश का कोण बनाना, मतलब यहां पर क्या करना बेटा एक लंब खींच देना, लंब खींच लोगे आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, लंब खींच लोगे ना, लंब खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब लंब खींच लोगे क्या करोगे बेटा, इसको मान लेना ए बी सी, इसको मान लेना डी, डी बी त्रिज्या ले लेना बेटा, और एक डी बी जब त्रिज्या लोगे एक अलग वृत्त ऐसे खींच देना, ठीक है यह बिंदु जहां तक जाएगी इसको रेखा को आगे बढ़ा देना, यहाँ पे मान लिया बिंदु पी, यही हो जाएगा बेटा कितना अंडर रूट 9.3, बस बात खत्म, ऐसे दर्शा देना, कर लोगे, चलो इसको नोट करो, प्रकार से बनाना एकदम परफेक्ट बनेगा, हाथ से बनाओगे हमारी तरह तो गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि परफेक्ट हमारा भी नहीं बना होगा, जब प्रकार से बनाओगे तो ही परफेक्ट बनेगा। आ जाओ सातवें पे, सातवां नंबर क्या कह रहा है बेटा, निम्नलिखित के हरों का प्रमेयकरण कीजिए, पहला दिया बेटा एक बटे करड़ी में सात, एक बटे करड़ी में सात का प्रमेयकरण करोगे बेटा, करड़ी में सात से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो करड़ी में सात बटे सात आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या दिया बेटा,
दूसरा दिया एक बटे करड़ी में सात माइनस करड़ी में छह। तो बेटा प्रमेयकरण क्या करते हैं, जो हर में दिया रहता है उसी से करते हैं, बस चिन्ह बदल देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा करड़ी में सात प्लस करड़ी में छह बटे करड़ी में सात प्लस करड़ी में छह। प्रमेयकरण मतलब आठ में तो पढ़े होंगे ना आप लोग, तो क्या होगा एक में गुणा होगा करड़ी में सात प्लस करड़ी में छह हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा सात का स्क्वायर माइनस करड़ी में छह का स्क्वायर। तो करड़ी में सात प्लस करड़ी में छह, ये बेटा सात माइनस छह, तो करड़ी में सात प्लस करड़ी में छह बटे एक, इसको लिख सकते हैं करड़ी में सात प्लस करड़ी में छह बटे एक, तो कोई मतलब नहीं है। आ जाओ तीसरे पे, तीसरा क्या कह रहा है बाबू, तीसरा कह रहा है एक बटे करड़ी में पांच प्लस करड़ी में दो, एक बटे करड़ी में पांच प्लस करड़ी में दो, गुणा करोगे बेटा करड़ी में पांच माइनस करड़ी में दो से, बोले चिन्ह बदल के कर देना, तो करड़ी में पांच माइनस करड़ी में दो, तो करोगे बेटा एक में गुणा होगा तो करड़ी में पांच माइनस करड़ी में दो बटे, यहां पे बेटा हो जाएगा पांच करड़ी में पांच का स्क्वायर और माइनस करड़ी में दो का स्क्वायर, हो जाएगा करड़ी में पांच माइनस करड़ी में दो बटे यहां पे पांच माइनस दो, तो करड़ी में पांच माइनस करड़ी में दो और बटे बेटा पांच में से तीन गया दो गया तीन, ये हो जाएगा इसका आंसर। और एक और है बेटा चौथा, यहां पे लगा दे रहे हैं ठीक है, फोर्थ नंबर, एक बटे करड़ी में सात माइनस दो, बेटा क्या करोगे करड़ी में सात प्लस दो से ऊपर करड़ी में सात प्लस दो से नीचे, यही बेटा करोगे तो इसका गुणा इसमें होगा करड़ी में सात प्लस दो और बेटा करड़ी में सात का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, करड़ी में सात प्लस दो ये बेटा हो जाएगा सात माइनस चार, तो करड़ी में सात प्लस दो और सात में से चार गया तीन, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सात भी खत्म हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आठ में, कितने क्वेश्चन है, छह क्वेश्चन है, इसको भी लगाते हैं क्योंकि जो दम है इसी में है। आ जाओ आठवें पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है। आ जाओ आठवें नंबर पे, क्या कह रहा बेटा, निम्नलिखित की हर का प्रमेयकरण कीजिए, हर का क्या करना बाबू, प्रमेयकरण करना ठीक है। पहला दिया है 16 बटे इन अंडर रूट 41 माइनस पांच, तो प्रमेयकरण करेंगे बेटा अंडर रूट 41 माइनस पांच की जगह प्लस पांच, और यहां पे अंडर रूट 41 प्लस पांच, तो बेटा क्या करोगे इसका प्रमेयकरण करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा प्रमेयकरण, तो 16 का गुणा इसमें करोगे बेटा तो 16 करड़ी में 41 और प्लस 16 पचे 80, ये बेटा हो जाएगा अंडर रूट 41 का स्क्वायर और माइनस पांच का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 इन अंडर रूट 41 प्लस करड़ी में 80 बटे अंडर रूट 41 का 41 होगा माइनस पचवा 25, तो यहां पे हो जाएगा बेटा कितना देखना, 16 करड़ी में 41 प्लस 80 बटे 41 माइनस 25 16, 16 कॉमन ले लेना बेटा अंडर रूट 41 16 पचे 80, कितना बचेगा बेटा 5, यहां पे 5 बटे 16, 16 से 16 कैंसिल अंडर रूट 41 प्लस 5, ये हो जाएगा इसका आंसर ठीक है बेटा। आ जाओ दूसरे पे, दूसरा क्या कह रहा है, 6 है एक खत्म हो गया, 2 प्लस करड़ी में 3 बटे 2 माइनस करड़ी में 3, 2 प्लस करड़ी में 3 बटे 2 माइनस करड़ी में 3, तो संख्या यही बेटा चिन्ह बदल के गुणा कर दो, तो 2 माइनस करड़ी में 3 प्लस रहेगा बेटा और 2 प्लस करड़ी में 3 हो जाएगा, इसका करोगे बेटा हो जाएगा 2 प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर, ये होगा बेटा 2 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 करड़ी में 3 का 3 प्लस 2 दूनी 4 करड़ी में 3 हो जाएगा बेटा, इसका करोगे 4 माइनस 3 तो 4 3 7 प्लस 4 करड़ी में 3 और 4 में से 3 गया 1, तो इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 4 करड़ी में 3, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। अब बाबू दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है करड़ी में 6 बटे करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3, करड़ी में 6 बटे करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3, हो जाएगा बेटा करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3, तो करोगे बेटा 6 दूनी 12 करड़ी में 12 माइनस 6 त्रिक 18 करड़ी में 18, और बेटा ये तो सेम लग जाएगा करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर, तो 12 को 6 के नचार दिया 12 2 करड़ी में 3 और माइनस 3 करड़ी में 3 त्रिक 9 दूनी 18 2, और बेटा यहां पे 2 माइनस 3
तो करोगे बेटा दो कड़ी में तीन माइनस तीन कड़ी में दो बटे माइनस एक, माइनस कॉमन ले लेना बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा तीन कड़ी में दो एक आगे चला जाएगा एक पीछे, माइनस दो कड़ी में तीन, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उम्मीद कर रहे हैं इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर आठवें का चौथा देखते हैं बेटा, तीन क्वेश्चन हो गया, तीन और बचा हुआ है, यही बचा है ना। तो चलो आ जाओ चौथे पे, क्या कह रहा है बेटा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कर्डी में तीन प्लस कर्डी में दो बटे कर्डी में तीन माइनस कर्डी में दो, यही है कर्डी में तीन प्लस कर्डी में दो बेटा, चौथा होमवर्क है दूसरे की तरह है, ठीक कर ले लो जैसा कि वैसे ही है। पांचवा क्या दिया, पांचवा आ जाओ, पांचवा तीन कर्डी में पांच क्या है बेटा, कर्डी में तीन है, और कर्डी में पांच माइनस कर्डी में तीन है, यही है बेटा प्रमेयकरण कर दो, कर्डी में पांच माइनस कर्डी में तीन प्लस रहेगा बेटा, यहाँ पे भी कर्डी में पांच प्लस कर्डी में तीन, तो बेटा इसका गुणा इसमें करोगे तीन गुणे कर्डी में पांच गुणे कर्डी में पांच, पांच हो जाएगा प्लस, अब बाबू इसका गुणा इसमें करोगे तो तीन गुणे कर्डी में पांच तीन पंद्रह, इसका इसमें करोगे कर्डी में पंद्रह, और इसका इसमें करोगे बेटा तीन, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देना, ठीक है हो जाएगा कर्डी में पांच का स्क्वायर माइनस कर्डी में तीन का स्क्वायर, तो तीन पचे पंद्रह प्लस तीन एक चार कर्डी में पांच और प्लस तीन, यहाँ पे पांच माइनस तीन करोगे बेटा पंद्रह तीन अट्ठारह और प्लस चार कर्डी में पांच बटे दो, दो कॉमन ले लेना बचेगा नौ प्लस दो कर्डी में पांच बटे दो, इससे कैंसिल आ जाएगा नौ प्लस दो कर्डी में पांच, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। आ जाओ छठवे पे, छठवां क्या कह रहा है बाबू, छठवां नंबर कह रहा है चार कर्डी में तीन प्लस पांच कर्डी में दो, चार कर्डी में तीन प्लस पांच कर्डी में दो बटे क्या बेटा अड़तालीस और अठारह, कर्डी में अड़तालीस प्लस कर्डी में अठारह बेटा, इसको लिख सकते हैं चार कर्डी में तीन प्लस पांच कर्डी में दो बटे सोलह तीन अड़तालीस, सोलह का होता है चार, तो चार कर्डी में तीन प्लस नौ दुनिया अठारह होता है बेटा, तो तीन कर्डी में दो हो जाएगा, तीन कर्डी में दो। अब इसका प्रमेयकरण कर दो, प्रमेयकरण करोगे बेटा चार कर्डी में तीन माइनस क्या होगा तीन कर्डी में दो से गुणा, और यहां पर चार कर्डी में तीन माइनस तीन कर्डी में दो से गुणा, इतना तो आप लोग कर लोगे। चलो अब आ जाओ, तो यहां पे करोगे बेटा तो चार कर्डी में तीन का चार का चार चौके सोलह, कर्डी में तीन गुड़े कर्डी में तीन तीन हो जाएगा, चार तीन बारह है और गुड़े कर्डी में तीन गुड़े कर्डी में दो कितना हो जाएगा कर्डी में छह, प्लस पांच चौके बीस गुड़े कर्डी में छह होगा बेटा, और पांच तीन पंद्रह माइनस पंद्रह गुड़े कर्डी में दो गुड़े कर्डी में दो दो हो जाएगा, यहाँ पे होगा बेटा चार कर्डी में तीन का होल स्क्वायर माइनस तीन कर्डी में दो का होल स्क्वायर, सोलह तीन अड़तालीस माइनस बारह कर्डी में छह प्लस बीस कर्डी में छह माइनस पंद्रह दूनी तीस बटे चार चौके सोलह गुड़े तीन और माइनस तीन त्रिका नौ गुड़े दो, तो बेटा अड़तालीस में से तीस जाएगा कितना बचेगा अट्ठारह और बीस में से बारह जाएगा आठ कर्डी में छह, सोलह तीन अड़तालीस माइनस नौ दूनी अट्ठारह, अट्ठारह प्लस आठ कर्डी में छह बटे बेटा यहाँ पर तीस हो जाएगा, दो कॉमन ले लो तो हो जाएगा दो कॉमन लोगे बेटा तो नौ प्लस चार कर्डी में छह बटे तीस काट दो पंद्रह दूनी तीस, तो नौ प्लस चार कर्डी में छह और कितना बचेगा बेटा पंद्रह, यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोग कर लोगे। तो चलो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया खत्म, प्रश्नावली 1.5, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है जितना हो सके अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराइए, थैंक यू सो मच।